हाँ सर बताइए आपका प्रॉब्लम क्या है। वही जो मर्दों का होता है, शीघ्र पतन। नहीं कैसी बातें कर रहे हैं, फिर छोटा या टिक नहीं पाते हैं। देखिए आप मेरी बात को समझ नहीं रहे हैं। देखिए सर जब तक आप अपना प्रॉब्लम नहीं बताइएगा आपका इलाज नहीं होगा। देखिए प्रॉब्लम मेरी वाइफ को है, मुझे नहीं। मैं जब भी सेक्स करता हूँ तो फचफच की आवाज आती है। ओके फची फची की आवाज आती है। लीजिए लाइन में बैठ जाइए। अरे मेरा लौरा पर बैठेगा। नेक्स्ट। बाबा आप तो हमारे बाप की उम्र के हैं, फिर यहाँ झाटू खाने के लिए आए। मेरा मतलब बोलिए क्या समस्या है। डॉक्टर साहब हमको उठन लगा दीजिए, बड़ा तकलीफ में है। अरे तकलीफ दूर कर देंगे बिल्कुल, लेकिन आपका उम्र है क्या। अरे उम्र के मत चुतो, तकलीफ है वो दूर करो, ज्यादा भीतरी मत घुसो। ये लो बाबा दवाई, 4 आवर तक नहीं गिरेगा आपका टावर। ये लो बाबा हॉर्स पावर। अच्छा जल्दी जल्दी बताइए इसको खाना कैसे है। एक गोली खाइएगा तो हेलीकॉप्टर बना देगा, 2 गोली खाइएगा तो सीधा रॉकेट बना देगा, अगर 3 गोली खाइएगा तो लौड़ा में मिला देगा। लेकिन हम तो अधे खाएंगे। किस लिए। इसलिए कि मुतने के समय खारा हो जाए ताकि मैं आसानी से मुझ सकूं। पैसा दीजिए और निकलिए यहाँ से। नेक्स्ट। उम्र 28 साल, तकलीफ सेक्स करते समय फच-फच की आवाज आती है। जी जी डॉक्टर साहब। देखिए इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है, इस उम्र में हर व्यक्ति को यह समस्या आती है। मैं आपको एक दवाई देता हूँ जिससे आपका मोटापन वापस आ जाएगा, इसके बाद आपको फच फच की आवाज नहीं आएगी बल्कि चढ़-चढ़ की आवाज आएगी। कंपाउंडर जी। सर और कोई पेशेंट है क्या। एक महिला है। ठीक है अंदर भेजो। अरे सुनो जी, आजकल पेशेंट बहुत कम आने लगा है, एक काम करो ये पुर्जी पकड़ो और अगले बगल के गांव में बांट दो। रणी देवी अंदर जाइए। भाग दोगला। रणी देवी नहीं रेनू देवी नाम है, चूल्हे में जोड़ देंगे दोगला रे। आइए बैठिए 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 बैठिए, बोलिए ना क्या समस्या है। डॉक्टर साहब हमको बच्चा नहीं होता है। अच्छा शादी का कितना वर्ष हुआ है। 6 साल। कभी टराई किए हैं। हाँ टराई किए हैं पड़ोस वाले के साथ, उससे भी नहीं हुआ है। अरे हम घोपा घोपी का बात नहीं कर रहे हैं, कभी इलाज करवाए हैं। हम इलाज कैसे करवाएं, हमको मर्दावा शक करता रहता है, कहीं डॉक्टर उल्टा सीधा ना कर दे। अच्छा 4 नंबर रूम में जाकर लेटिए, हम अभी आते हैं। डॉक्टर साहब मेरा मर्दावा बाहर बैठा हुआ है, कहीं उसको शक हो जाएगा। अरे हम इंजेक्शन की बात कर रहे हैं, इंजेक्शन लगाना है, जाइए जाकर लेट जाइए। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम प्रणाम। पुर्जी कटवाए हैं। पुर्जी चाहिए। बैठिए ना सर, बैठिए बैठिए बैठिए। बोलिए ना सर क्या प्रॉब्लम है।
डॉक्टर साहब समस्या हमको नहीं है, हमारे भाई क्या है। कितनों दूध दही काजू किशमिश खिलाते हैं ना, फिर भी देह पे हैरा नहीं चलता है। देखिए सर, हम हेल्थ के डॉक्टर नहीं है, हम भोका मिशन का डॉक्टर है। छोटू अपना हाथ दिखाओ। क्या हुआ डॉक्टर साहब? आपका भाई मस्त बेसन का शिकार है। डॉक्टर साहब हिंदी में बोलिए, मुझे इंग्लिश नहीं आता है। अरे आपका भाई मुठ मारता है। इसका कोई इलाज? इसका दोनों हाथ में ताला मार दीजिए। साला बच के वरना गांड में गोली मार देता। डॉक्टर साहब लाओ पुर्जा लाओ। अरे हम टूटा फूटा इलाज नहीं करते हैं, हम घोपा मिशन का डॉक्टर है, घोपा मिशन का। अरे डॉक्टर साहब हम आपके कंपाउंडर हैं। अरे ये सब कैसे हुआ? डॉक्टर साहब गांव सर हमारा न्यू क्लिनिक खुला है, अगर आप कोई समस्या हो संपर्क जरूर कीजिएगा। भोका मिशन क्लिनिक आप जानते हैं? हाँ हाँ, आप कौन? हम उसमें मेन कंपाउंडर, सब काम हम ही संभालते हैं। पहले नहीं बता सकते थे, आप उस गांव से ठग के आए हुए हैं, टेरेंचिया से मार मार के मुंह हाथ फुला दिया है। अरे हाँ हम बताना ही भूल गए, ये क्लिनिक उन्हीं लोग के पैसे से ठग के खरीदे हुए हैं। अरे बाहर बहुत शोरगुल हो रहा है, थोड़ा देख के आ तो। नहीं वो गाँव वाले हैं, आपको गार मारने आया है। क्या बात कर रहा तू? गेट खोले, देख खिड़की खोला, पकड़ पकड़। बाहर आदमी का मोमेंट बिगड़ा हुआ है, तू भाग जा यहां से। हम गोपाल मिक्सर का डॉक्टर है, बात बात से होता है। चुप साला चुप। देखिए सर अगर किसी का हो ही नहीं काम करेगा तो हम ही काम आएंगे।